दोस्तों यूं तो महाभारत में कई महान वीर योद्धा थे, किंतु महारथी कर्ण एक योद्धा होने के साथ साथ महान दानी भी थे, और यहां गुण उनके पिता सूर्यदेव से ही प्राप्त हुआ। कहा जाता है यही गुण उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। हां, हम सब जानते हैं कि कर्ण ने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल का दान दिया, लेकिन आखिर इसके पीछे की एक वास्तविक कहानी क्या थी? कर्ण ने जब इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल का दान दिया तो उनके बीच ऐसा क्या घटित हुआ, और कैसे कर्ण ने इंद्र और श्री कृष्ण को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों महाभारत के पर्व में लिखा है कि श्री कृष्ण को यह बात ज्ञात थी कि कर्ण के पास जब तक उनके पिता द्वारा दिए गए कवच और कुंडल हैं, इस संसार का कोई भी योद्धा उन्हें मार नहीं सकता। ऐसे में उन्हें अपने प्रिय पार्थ यानी कि अर्जुन की जान का भय हर वक्त रहता था। अब वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि कर्ण वही योद्धा है जिसने मेरे अहंकार को आसानी से चूर चूर कर दिया, और वह मेरे पुत्र के लिए भी घातक साबित हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण और इंद्र दोनों ही भली भांति जानते थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन की सलामती के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे दूर करने आवश्यक हो गए हैं। इसी कारण श्री कृष्ण और इंद्रदेव ने एक उपाय किया। इंद्रदेव एक साधु का भेष धारण कर कर्ण के द्वार पर पहुंच गए। अब कई साधु वहां पर पहले से ही कर्ण से दान प्राप्त कर रहे थे, और इंद्रदेव भी उन्हीं साधु की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। अब महारथी कर्ण दान स्वरूप सभी को कुछ ना कुछ दे रहे थे। जैसे ही इंद्रदेव की बारी आई, उन्होंने कर्ण से कहा, हे राजन, आपकी प्रसिद्धि सुनकर मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने सुना है कि इस धरा पर आपसे बड़ा दानी कोई और नहीं है, मगर मैं फिर भी चाहता हूं कि आप संकल्प लेकर ही मेरी शंका को दूर करें। तब महारथी कर्ण ने इंद्रदेव की इस बात को सुनकर अंजलि में जल भरकर तुरंत ही संकल्प लिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने संकल्प कर लिया है, अब आप अपना दान मांगिए। तभी इंद्रदेव ने बिना एक क्षण गंवाए कर्ण से उनके कवच और कुंडल को दान में मांग लिया। अब इस पर कर्ण ने हंसते हंसते अपने कवच और कुंडल को खंजर की सहायता से काटकर अपने शरीर से अलग किया, क्योंकि महारथी कर्ण के कवच और कुंडल उनके शरीर का ही एक अंग था, और ब्राह्मण जो इंद्रदेव के रूप में थे उन्हें दान में कवच कुंडल दे दिए। अब इसके पश्चात इंद्रदेव कवच और कुंडल लेते ही तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए। उनको डर था कि कर्ण को कहीं सच्चाई पता न चल जाए कि मैं इंद्रदेव हूं, और कहीं अपने कवच और कुंडल मुझसे वापस ना मांग ले। मगर जैसे ही इंद्रदेव अपने दूर खड़े रथ के पास गए, रथ भूमि में धस गया। तभी वहां पर एक भयंकर आकाशवाणी ने कहा, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। केवल अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने कवच और कुंडल का दान मांगकर बहुत बड़ा छल किया है। अब ना तो तुम आगे जा सकते हो और ना ही तुम्हारा रथ यहां से कहीं जा सकता है। जिसके बाद इंद्रदेव ने आकाशवाणी से पूछा कि अब मेरे लिए इससे बचने का क्या उपाय है। तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान में ली गई वस्तु के बराबर ही कोई वस्तु कर्ण को वापस करनी होगी।
अब इंद्रदेव को मजबूरन यह बात माननी पड़ी। अब वे अपने असली भेष में आ गए और कर्ण के पास गए। तब कर्ण ने कहा, देवराज आदेश कीजिए, आपको और क्या चाहिए मुझसे? अब क्योंकि कर्ण को सारी बातें समझ आ गई थी, इसी कारण इंद्रदेव शर्म से नीचे गर्दन झुकाए कर्ण के समक्ष खड़े रहे। अब उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर कर्ण, इस बार मैं याचक नहीं हूं, बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। जिस पर कर्ण ने कहा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए देवराज, कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, दान लेना नहीं। तब इंद्रदेव ने विनम्रता पूर्वक कहा, कर्ण आपको मुझसे कुछ लेना ही होगा, अन्यथा ना तो मैं कहीं जा सकता हूं और ना ही मेरा रथ यहां से कहीं जा पाएगा। अब इन बातों को सुनकर कर्ण देवराज को मना कर देते हैं, किंतु आखिर में हार कर देवराज इंद्र अपना वज्र कर्ण को देकर चले गए। साथ में यह वरदान भी दिया कि तुम इस वज्र का प्रयोग केवल एक ही बार कर पाओगे और जिसके ऊपर करोगे उसके प्राण निश्चित ही चले जाएंगे। अब कर्ण को मजबूरन उस वज्र को अपने पास रखना पड़ा, किंतु उन्होंने कभी भी उसका प्रयोग नहीं किया और महाभारत युद्ध के अंतिम समय में श्री कृष्ण और अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया। अब कर्ण की दानवीरता का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि अपने अंतिम समय में भी कर्ण ने अपने विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों में स्थापित कर दिया था, ताकि उसकी तरह ही कोई महान योद्धा उस अस्त्र को प्राप्त कर सके। जिसके बाद अब कर्ण से खुश महादेव कहते हैं, हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। अब श्री कृष्ण जानते थे कि उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसके पश्चाताप के रूप में श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उस दौरान उन्होंने कर्ण से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी और जिसके बाद वो खूब फूट फूट कर कर्ण के लिए रोए और उसे मुक्ति दिलाई। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।